फाइल्स की तकलीफ के लिए नंबर वन सॉल्यूशन अर्शवेदा, जो कि बना है 9 विशेष जड़ी बूटी से। 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को, 2 दिन में मिलेगा आराम। अर्शवेदा अवेलेबल है आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पे। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करें। हफ्ता वसूली के मामले में फंसा बोगस शिकायत माफिया का गिरोह, शील टाइगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ 5 कथित पत्रकारों पर हफ्ता वसूली का मामला, बिहार पुलिस द्वारा धर्म परिवर्तन मामले में गिरफ्तार नाज गुलंदाज भी इसमें शामिल। अंदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई, पुलिस महानगर की कथित पत्रकार सबिया शेख और उसके पति हुसैन शेख, शिवसेना शिंदे गुट माथाड़ी कामगार के जिला प्रमुख विजय गोरे, इनके बीच विवाद हुआ था 2 कमरों के निर्माण को लेकर के। पहले ये विवाद हुआ, फिर ये विवाद सुलझा और फिर अब ये विवाद उभर कर सामने आया है। तो विवाद उभरने के बाद विजय गोरे की शिकायत पर शेल टाइगर पुलिस स्टेशन में इन कथित पत्रकारों के खिलाफ, जो कि बाकायदा एक बोगस शिकायतों का गिरोह बना करके शिकायत माफिया बने हुए थे, और अभी से नहीं एक लंबे समय से, किसी के भी खिलाफ बोगस कंप्लेंट करना, महिला होने का फायदा उठाना, इस तरीके के सारे काम जो है इस टोली के सदस्यों द्वारा किए जा रहे थे, खासकर महिला सदस्यों द्वारा, जिसमें एक थी नाज गोलंदा, दूसरी है सबिया हुसैन शेख और इनके अन्य पुरुष साथी है, जैसे हुसैन शेख खुद है, दूसरे अब्दुल गनी पटेल उर्फ गनी मचान। गनी मचान का दावा है समाज सेवा का और काम है अवैध निर्माणकर्ताओं से वसूली का, इसकी खबर हम पहले भी आपको बता चुके हैं। सबिया हुसैन शेख नाज गोलंदाज और इनके साथ फिर एक बार बुरे फंसे हैं पुलिस महानगर, प्रभाव समाचार, इन अखबारों के और यूट्यूब चैनल के संपादक विशाल सिंह। पूरा मामला विजय गोरे की शिकायत के अनुसार, ठाकुरपाड़ा परिसर में जो 2 कमरे का वो निर्माण कर रहे थे, जहां पर पहले हुसैन और सबिया के साथ उनका विवाद हुआ, जिसमें हुसैन और सबिया ने उन पर कैमरा तोड़ना, मोबाइल तोड़ने का आरोप लगाया और उनसे 1 लाख रुपया मांगा, एक कमरा मांगा, ऐसे जो कुछ भी आरोप है, इन आरोपों का जवाब हुसैन और सबिया ने पहले दिया था। लेकिन अब इस मामले में लिखित शिकायत विजय गोरे ने शेल टाइगर पुलिस स्टेशन में की थी, क्योंकि एक ओर से हुसैन और सबिया ने फिर एक बार जाली कागजात के जरिए जमीन हत्या करके अवैध कब्जा और अवैध निर्माण करने का मामला फिर एक बार आरोपों के तहत विजय गोरे के खिलाफ इन्होंने किया था। अब उसी के जवाब में विजय गोरे ने शेल टाइगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें हफ्ता वसूली का मामला है धारा 384, 385, 501, 34 के तहत शेल टाइगर पुलिस स्टेशन ने इस मामले को दर्ज किया है, जिसमें आरोपी बनाए गए। पहले नंबर पर सबिया हुसैन शेख है, दूसरे पर हुसैन शेख है, तीसरे पर विशाल सिंह है, चौथे पर अब्दुल गनी पटेल उर्फ गनी मचान है और छठे पर नाज गोलंदाज है। नाज गोलंदाज जिसको कुछ ही दिन पहले बिहार के भोजपुर जिले की बरहरा पुलिस जो है एक नाबालिग के अगवा, अपहरण और धर्म परिवर्तन के मामले में गिरफ्तार कर चुकी है, जो फिलहाल वहां के जेल में बंद है। अब ये एक नया अपराध नाज गोलंदाज के खिलाफ दर्ज हुआ है। नाज गोलंदाज उर्फ नाज मोहम्मद अहमद खान, अपने पति के साथ मिलकर लोगों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करना और बाद में ब्लैकमेल करना, फिर पैसे मांगना, इन तमाम चीजों में, चाहे अवैध निर्माण हो, किसी का सुपारी लेकर के उसके खिलाफ अर्जियां करने का काम हो, उसके खिलाफ झूठे मारपीट का या शील भंग का, लूट का मामला दर्ज कराना हो, उसमें ये सभी लोग एक्सपर्ट हैं, सभी लोग जो है ये प्रोफेशनल बन चुके हैं। ये पूरा इनका मामला, आखिरकार कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर ही जाता है, तो अब भर चुका है और ये एक एक करते फूटता जा रहा है। खंडनी के इस केस में फिलहाल ये 5 फरार है। अब देखते हैं आगे ये मामला क्या रंग दिखाता है।